कर माया नगर प्यार है गे नीओ रंगीले कैसा जादू राजा जी तो अब किसी गाय किसी भैंस को नहीं बजाई गई कि नवरात्रि लेना अखंड दीपक जलाना ना? भगवान का भजन करना कीर्तन करना ना? अरे तानसेन मेघमलार गाते थे, तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेघमलार गाते थे संगीत काल थे। हाँ तो बारिश हो जाया करती थी, मेघमलार गाने से बादल उमड़ के आए और उतरा चाय पी रही तो चाय कहाँ पिया चाय पी रही क्या है रुद्दू में क्या है रुद्दू में लुप्पू सा रुद्दू है लुप्पू सी इसकी शकल है खाना तक तो खाए ना दगड़ियो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल का नाम है हेमिंदु ब्लॉग और हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह के 12:15 बजे से। सुबह से उठ के कब 12:15 हो गए, आजकल दिन थोड़े छोटे हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा रुद्दू बांद्रू खा रही है ककड़ी अकेले, इसने एक ककड़ी पीली ककड़ी परसों चाची ने दी थी कि रायता खाना, और इसने काटो मेरे लिए करके पूरी ककड़ी का फिनिश कर दिया है। हमने सोचा रायता बनाएंगे करने वाले दिन, लेकिन नहीं जी, इसको तो ककड़ी ऐसे ही खानी होती है। और पहले क्या है कि हम जरा जा रहे हैं चाची लोगों के बगीचे में, तो वहाँ पर आजकल ना प्लास्टर का काम चल रखा है, कैसे घूम रही हूँ गोल 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 गोल, तो आजकल वहाँ पर प्लास्टर का काम चल रहा है, मकान लेंटर वेंटर हो चुका है, फिटिंग फाटिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर चल रहा है प्लास्टर नहीं है जो पाँव में होता है, जो पाँव में भागते हैं वो प्लास्टर नहीं ना बेटा, क्या कहते हैं उसको, जो इसको क्या कहते हैं जो मकान में लगाते हैं प्लास्टर जो भी कहते हैं, यार आप समझ जाना कुल मिला के। तो हम जा रहे हैं बगीचे में, सर ने बोल रखा है कि मैं 1 बजे के आसपास आऊँगा घर, तभी देखेंगे कि क्या बनाना है। अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, खाने का कह तो रही हूँ ना, खाने के बारे में सोचा भी नहीं है अभी तो। आज हमारा व्रत नहीं है, रोज़ रोज़ व्रत भी नहीं लिए जाते हैं यार, अब कल को लेंगे अष्टमी। आ जाओ बेटा चलो, उसके ऊपर से पानी नहीं पीते हैं, वाई ये सारे यहाँ पे ऐसे फेंक दिया तुमने, गधी लड़की है यार मेरी। आ जाओ चलो थोड़ी देर बगीचे वहाँ जाएंगे, उनके बगीचे में उनका मकान का दिखा के लाते हैं आप लोगों को। हे माँ माता जी, हे माँ माता जी, हे माँ माता जी, गधे कहाँ है सर, गधा जैसा। आजकल धूप बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत टाइम सुबह से अभी धूप मार रहे हैं तो अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। और हम जा रहे हैं चाची लोगों के बगीचे में घूमने। आजा साइकिल लेने चला गया रुद्र, रुद्दू चले गई साइकिल लेने, आई नहीं है अभी तक। और यहाँ पर है केले का पेड़, ये बोलते क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये है पेड़ केला। और यहाँ पर वो रखी है हरी लाई, अब लाई की सब्जी खाएंगे थोड़े दिन के बाद, ये बहुत अच्छे से आ जाएगी, तो हम भी खाएंगे लाई की हरी सब्जी। राजा आजा बाबू, रुद्र आए हमारे बूबू जी, वो कर रहे हैं चाचा के पाँव की एक्सरसाइज है। वो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो हम जा रहे हैं वहाँ चाचा लोग के बगीचे में, बर्त डाल ले ना, बर्त चल रही हो ऐसा है ना, है कुछ भी हो इसका तो अलग है ना, उससे दुख से मतलब नहीं है, नहीं वो तो हाँ, क्योंकि ईश्वर का नाम तो देना अनिवार्य है, चाहे बैरी और संसार बने चाहे मौत गले का हार बने ना। और इंसान को इंसान ही कर सकता है नित्य कर्म, भैंस नहीं करेगी, भैंस को उतना ही घास खाना है, उसने गोबर करना है, उतना विवेक दिया है। और इंसान का दूसरा नंबर है, पहला नंबर भगवान, दूसरा नंबर इंसान। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू अगर समझ न पाए तो मैं क्या करूं,
मैंने फल फूल मेवा सब पैदा किए, तू जीवा सताए तो मैं क्या करूं। इंसान श्रेष्ठ है, मनुष्य नमान जो भी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य को ही ये नियम बताए गए हैं ना। अब किसी गाय किसी भैंस को नहीं बताए गए कि नवरात्रि लेना, अखंड दीपक जलाना ना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना ना। अरे तानसेन मेघमलार गाते थे, तानसेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेघमलार गाते थे संगीत काल थे। हाँ तो बारिश हो जाया करती थी, मेघमलार गाने से बादल घूमर के आए, बारिश हो गई। अब लोग कहते हैं संगीत करके क्या होता है, कीर्तन करके क्या होता है, भजन करके क्या होता है। अरे गाली देकर के कितना दुख होता है, गाली किसी को दो। कौआ किसका धन हरे कोयल किसको दे, कौआ किसका धन हरे कोयल किसको दे, मीठी मीठी बानी करके जगत अपना कर ली। परमात्मा ने हमें और चीज में पैसा लगता है, वाणी में कुछ नहीं लगता है। अच्छा बोल दिया दो शब्द क्या बिगाड़ा। अब जिनको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। वो कह रहा है घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, मिटान भेद भाव तो भगवान क्या करे। तो सबके अंदर एक ही ज्योति जल रही है पूरे ब्रह्मांड में, सबके अंदर। वो नहीं देख रहा है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऐसी है, वो वैसी है, वो नहीं देख रहा कुछ। अरे मस्जिद के भीतर मुल्ला पुकारे सोभी साहब सुनता है, चीची की पग निवल बाजे सोभी साहब सुनता है। तो वो तो सब जानता है, इंसान के बनाए सीसी कैमरे में हम कैद हो जाते हैं। जो असल ब्रह्मांड नायक है मामला केंद्र का है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है या नायिका है, या नायक है या नायिका, नायिका नायिका भी है और नायक भी है, बिना नायिका नायिका होना नहीं होगी ना। तो पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन कर रहा है, इंसान के बनाए हुए सीसी कैमरे में कैद हो जाती है जो अखिल ब्रह्मांड नायक है। अरे तू हर गुल में, तू गुल गुल में, तू हर डाल के हर पातन में, रोम रोम रमा है वो राम ऐसा है ना। वो रोम रोम कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर वो नहीं है। सूर्य का जब उदय होता है तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमान हो जाता है। गंदी चीज भी होती है वहां पर भी सूर्य भगवान अपना प्रकाश डालते हैं, और अच्छी चीज में मंदिर में भी मस्जिद में भी गुरुद्वारे सूर्य भेदभाव नहीं करता है। जल कभी नहीं कहता तुम मेरे पास मत आओ, भगवान नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि वो जो ऐसी अलौकिक शक्ति है वो अनादि है, अखंड है, अच्छेद है और अभेद है। उसका भेद ही नहीं जाना, किसी ने मर भी नहीं जाना है। प्रवचन सब कर रहे हैं, वेदवाणी सब कर रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल में सही हो जाना। अरे कितना ठगाएगा भगवान को, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, उसका सीसी कैमरा तो ऐसा है पल पल की खबर रखता है। वो मुख से क्या कह रहा है, अंतर मन में क्या इसके लगा है, उसको सारा ज्ञान है, उसको सब पता है। मैं किस भाव से बोल रहा हूँ, किस कैसे बोल रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, कितने मेरे अंदर पाप छिपे हैं, कितने पाप मैंने किए या करने हैं ना, उस पर नहीं जा रहा हूँ, उसको बेवकूफ बना रहा हूँ अखिल ब्रह्मांड नायक जो है। अरे उसको क्या बेवकूफ बनाएगा तू ना। अरे सुनाता हूँ दोनों जहानों की हालत, यहाँ भी अदालत वहाँ भी अदालत, यहाँ की अदालत वकीलों से चलती, वहाँ पर तनिक दाल किसी की नहीं चलती, वहाँ पर नहीं चलती है किसी की वकालत। फिर कहता हूँ सताले गरीबों को जब तक जवानी, सताले गरीबों को जब तक जवानी, मिला ले तो दूध में अब भी ये पानी, वहां की अदालत तो तूने न जानी, और यहाँ भी अदालत और वहां भी अदालत।
अब मैं वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। क्या है वो? है क्या? बूमरैंग। उल्टे पुल्टे काम, फिर उल्टे पुल्टे काम। मोटा मोटा भैया मास्टर जी दम कर दी बस। मास्टर जी सुन ले गुरु जी बाकी चमचे बड़े हरा दिया जी बाकी चमचे बड़े हरों का यार शांत ठंड गर्मी से बड़े हुए। चाय बनाएंगे फिर चाय पियेंगे हम तो मतलब तुम हो मरून सा काम वाला हूँ बना है तो लाल मिर्च रखा है। लाल मिर्ची तोड़ के रखी है चौली वाली है चौली वाली भुट्टा के लिए यहाँ पे कद्दू भी हो रखा है कद्दू जब बड़ा कद्दू हो रहे हो ये लंबा कद्दू पर सरे साल बना तुझे कद्दू साग क्या चलो हम देरी ले खुद देरी देर पाओ माँ आज क्या बिस्कुट खा ले बिस्कुट बन पाए तो हम बनाएंगे लकड़ी में लकड़ी और चूल्हे में चाय ठीक है। तो पानी वानी रख दे दाजी चाहे में पहले गए इसको करेंगे हम करो डियर ये गरम ना हुई है इसको हम करेंगे गरम ये जला दी हमने लकड़े में चाय ईंधन जला दिया ईंधन इसको इधर मतलब बता लकड़ी का ईंधन बिट्टू मैंने लकड़ी में चाय ना मेरे को हाँ बिट्टू को वो बिट्टू है तो सारा कहना वाले एक बिट्टू ना यहाँ पे है हमारी गैया रानी चाहिए तुम्हारे एक आई जी पे दियो जी अच्छा देर हो गई जड़िया जड़िया बिता रहा है ना बारह मास गाय पालोगे तो दूध मिलेगा है और रुद्र अपने लिए खिला ले आ बेटा कहाँ पी आजा चाय पिएगी रुद्र और रुद्र सही बाबू बहुत लंबे है यार सब निकल कम हो कमजोर है कि बाबू कमजोर है कि पता है कि बाबू लेकिन मोटा रही यार भारत है रही भारी उठना तो भारी रही और उतरा तू चाय पी रही तो चाय कहाँ पी रहा चाय पी रही क्या है रुद्दू में क्या है रुद्दू में लुप्पू सा रुद्दू है लुप्पू सी इसकी शकल है खाना तक तो खावे ना चाय तक तो पीवे ना ग्लास अंदर अंदर वहाँ पर वो है क्या कहते हैं उसको क्रेट क्रेट में क्रेटर क्रेट में है ला ले आना दो ही ग्लास इंदु इंद्रा इंदिरा ना हूँ मैं हिंदू हूँ बस ऑनली हिंदू लप्पू सी शकल है चाय तक तो पीवे ना बाप रे बहुत गर्म हो रही चाय नहीं हो रही ठंड हो रही अदरक की चाय बड़ा अच्छी हो जाए मैं इसको ठंडा करूँगा फिर इसके साथ बिस्कुट खाऊंगा हाँ ठंडी ना चाय थोड़ा तुम लीजिए मुझे ठंडी बनू मुझे ठंडी बनू तुम मोहित मोहित दादा को बुलाओ तो अरे वो बेचारे को तुम्हारा ठेकेदार जी मोहित क्यों अदरक की चाय के साथ खाया करो तो बिस्कुट से बिस्कुट तो लाभ मुझे दे चाय तो जब तक बिस्कुट खाए मेरे को बिस्कुट क्या है अम्मा देगी अभी बिस्कुट ना यार बिना वीडियो नहीं होना है लप्पू सी लप्पू सी सकाल देखो मोहित लप्पू सी सकाल देखो हाथ से चाची लोगों के बगीचे से घर को जाने लग गए हैं वहाँ पर देखो
वो है चाची लोग का घर। और तो जब मैं रास्ते से मतलब हम जा रहे थे तो रास्ते में बुबू चाचा की एक्सरसाइज कर रहे थे। वो बुबू के बेटे हैं बड़े वाले, थोड़ा एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था तो अब बुबू उनकी एक्सरसाइज करते हैं। अब तो बहुत अच्छे हैं वो, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बुबू ने तो इतनी सेवा कर रखी है, इतनी सेवा कर रखी, क्या ही कहूँ मैं बुबू के लिए। तो क्या है कि तो आपने सुने होंगे बुबू के, बुबू को इतने ज़्यादा श्लोक याद है ना, कहाँ कहाँ से भगवान को लेकर के, बड़े बड़े कवियों को लेकर के, मतलब बुबू के बराबर तो यहाँ पर कोई होगा ही नहीं हमारे गांव में। इतने इतने ज़्यादा, इतना ज़्यादा ज्ञानी, तो हमारे गांव के सबसे इंटेलिजेंट पुरुष है हमारे बुबू जी। घर अब मैं बनाऊंगी दिन का खाना, देखो चूल्हा मेरा खाली पड़ा है, खाना बनाया नहीं है, सर आए भी नहीं है, तो हम बनाएंगे खाना। और अगर आप हमारे चैनल में बुबू को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अपने ऐसे ही मन भावक बुबू के साथ चैनल में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।